हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। निफ्टी पहले देखते हैं निफ्टी डेली कैंडल चार्ट में क्या बनाया है। आपको मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताऊंगा, उसके साथ ही लास्ट में एक अच्छा सा स्टॉक बताऊंगा जो कि एक दो दिन के अंदर बहुत ही गजब का तेजी दे सकता है। उसके कॉल ऑप्शन में आप पैसा बना सकते हो, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो निफ्टी अभी एक हैमर पैटर्न बना रहा है, उसके बाद उसको एंगल्फ करते हुए एक ग्रीन पैटर्न बनाया हुआ है। अभी भी मीडियम रिलायबल रेंज में है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग जोन आ चुका है, यहाँ से थोड़ा बाय चलेगा। आपको अगर मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा दूँ तो मेजर रेजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को जब तक तोड़ा नहीं है तब तक हम पॉजिटिव डिरेक्शन में नहीं सोच सकते। इसको तोड़ते तोड़ते लगभग 19,550 तक चला जाएगा मार्केट। अभी अगर आवरली पैटर्न में देखें तो ऑलरेडी डाउन साइड आ गया था, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनाया है, रिटर्न गया है, फिर से यहाँ पे हैमर बना के वापस जा रहा है। तो ये लो को नो ना तोड़ते हुए फिर से एक हैमर बनाया, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिरेक्शन हम सोच सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो प्राइस ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर गया है, लेकिन 15 मिनट में 200 मूविंग एवरेज के आसपास है। तो जैसे मार्केट 19,500 तोड़ता है तो पॉजिटिव डिरेक्शन हम सोच सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, चौपी खुलता है तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव ओपनिंग होता है तो जब तक 19,490 या 19,500 या 19,500 को नहीं तोड़ता तब तक तो मैं बाइंग साइड में अपना पोजिशन नहीं बनाने वाला हूँ। उसके बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ऑलरेडी रिवर्सल हैंगिंग मैन पैटर्न बना चुका था, फिर से ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन बना रहा है। तो ये दो दो रिवर्सल कैंडल बना चुका है और मेजर सपोर्ट लेवल डेली कैंडल चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे आके रुक चुका है। तो वहाँ से वापस आ सकता है मार्केट, हल्का सा, पूरा पॉजिटिव ट्रेंड नहीं फिर भी थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। मैंने फिबोनाची यहाँ पे डाला हुआ है ऑलरेडी। अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड लेना चाहते हो तो प्रीवियस लो लगभग 43,470 के आस सॉरी 43,870 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के बाय करके पोजीशन करके होल्ड कर सकते हो। 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो मुझे जितना पता चल रहा है मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हो सकता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, मैं बाय करूँगा। और मेजर लेवल ऊपर साइड में 44,400 है, तो प्राइस लगभग यहाँ पे ब्रेकआउट होके जाएगा, रिट्रेस होगा, उसके बाद फिर से जाएगा। तो ये वाला एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 44,400 को जब तोड़ेगा तब एंट्री करेंगे तो बहुत अच्छा मूव ऊपर 44,650 तक मिल सकता है, राइट। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी की बातें। अभी हम बात करेंगे स्टॉक ऑफ द डे। देखिए, मैं हर रोज़ आपके लिए एक एक स्टॉक लेके आऊँगा जो एक दो दिन के अंदर आपको मूवमेंट दे। तो आज के लिए स्टॉक है विप्रो। डेली कैंडल में चार्ट में देखेंगे तो ऑलरेडी एक फॉलिंग चैनल की तरह बन रहा था, पर यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और इस पैटर्न को तोड़ते हुए प्राइस रिट्रेस होके वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बाय तो बनता है। आप अगर स्टॉक के शौकीन हो स्टॉक खरीद सकते हो, या फिर आप अगर ऑप्शन के शौकीन हो तो कौन सा ऑप्शन लेना सही रहेगा मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आपको अगर प्राइस यहाँ पे रिटर्न करता है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स करता है तो हमको यहाँ पे मिलेगा एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। तो जैसे ही ये हाई को तोड़ेगा मैं एंट्री कर लूँगा 420 के पार। आपके लिए कॉल ऑप्शन कौन कौन से सही रहेंगे, एक तो रहेगा 420 का कॉल और एक रहेगा 430 का कॉल और एक रहेगा 440 का कॉल। ये तीनों कॉल ले सकते हो। 440 उनके लिए जो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, कम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते। 430 का कॉल 50-50 है। मैं लोगों को बोलूँगा कि 430 का कॉल ले जो नए हैं मार्केट में, और 420 जो प्रॉफिटेबल हैं और रिस्क लेना चाहते हैं तो वो एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, प्रीवियस लो लगभग 417-18 के आसपास, या फिर आप अगर नेगेटिव में खुलता है तो आप 413-14 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो भगवान को प्रे कीजिए अगर कल नेगेटिव में मार्केट खुलता है, विप्रो नेगेटिव में खुलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो एंट्री कर सकते हो और 414 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो लगभग आपको मैं बता दूँ टारगेट, टारगेट कहाँ पे लेंगे, टारगेट आपको 444 का टारगेट मिलता है यहाँ पे। प्रीवियस हाई आप अगर देखोगे तो
तो 444 का टारगेट है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से घूम जाएगा। तो अगर 20 रुपये का टारगेट ले रहा है यहाँ से, तो लगभग आपका ऑप्शन 430 का ऑप्शन 7 से 8 रुपये बढ़ सकता है। उसी तरह स्टॉप लॉस अगर होता है तो 1.5 से 2 रुपये गिर सकता है। तो आप अगर रिस्क लेके ये ट्रेड लेना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो ट्रेड लेना चाहिए। हाँ मैं बता दूँ, ये जो मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सारे आपके एजुकेशन पर्पोज के लिए है। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए इस ट्रेड में आपको एंट्री करने के लिए। तो मार्केट का डायरेक्शन अगर आप बोले तो मार्केट सिंपली नेगेटिव रहेगा तो ये ट्रेड ले सकते हैं, फ्लैट रहेगा तब भी ले सकते हैं, और मार्केट अगर हल्का सा पॉजिटिव रहेगा तब भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट पूरा शार्प पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है तो ये ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि ये आईटी से बिलोंग करता है। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए तो ये रिवर्स हो जाते हैं। और डे कैंडल चार्ट में अगर देखेंगे यहाँ पे क्या बना है, मॉर्निंग स्टार बना है तो ब्रेकआउट के लिए रेडी है। 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो क्या पैटर्न बना है, एक हैमर बनाते हुए वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको कैसा लगा ये स्टॉक और टोटल वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता, काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें क्योंकि लास्ट तक मेरा मैसेज रहता है। और इसके साथ लाइक करें, बेस्ट स्टॉक इस बार कमेंट करें, बेस्ट स्टॉक। तो मैं 10 कमेंट्स चाहता हूँ बेस्ट स्टॉक्स लिख के आप भेजें, तो मैं आपको कल 2 स्टॉक्स ऐसे बताऊँगा कि आने वाले वीक के अंदर 20 से 30% तक ग्रोथ कर सके। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक्ड।